तो हेलो फ्रेंड, तो आज एक फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं कि पर्सनल इंस्टा अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे बदलें, और ये भी बताएंगे कि बिजनेस अकाउंट में आप कैसे बदल सकते हैं, बिजनेस अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट में आप कैसे पर्सनल अकाउंट को आप बदल सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए और अच्छा से देखें और अच्छा से समझें ताकि आप कर सकें। नहीं तो अच्छा से नहीं देखने से आपको भी नहीं समझ में आएगा कि क्या करें नहीं करें, और आप कर भी नहीं पाएंगे उसे में। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एकदम देखिए, क्योंकि आपका अगर पर्सनल अकाउंट है तो उससे आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं, और यही कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा। और बिजनेस अकाउंट है तो उससे भी आप कमा सकते हैं। अब जो पर्सनल अकाउंट है उसमें ज़्यादा फ्यूचर नहीं देता, अगर ये प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसमें ज़्यादा फ्यूचर देगा, बिजनेस अकाउंट है उसमें भी ज़्यादा फ्यूचर देता है, पर सबसे ज़्यादा फ्यूचर जो देता है वो है प्रोफेशनल अकाउंट। तो उसी के बारे में आज जानेंगे और समझेंगे, और कैसे करना है नहीं करना है यही आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, और अब चलते हैं सीधे मोबाइल के स्क्रीन में और उस आप लोग को दिखाते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में, और स्क्रीन में आ जाने के बाद इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप लोग को सीधे यहाँ प्रोफाइल वाला ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ जाने के बाद ऊपर 3 डॉट डॉट है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को सीधे नीचे आ जाना है, और थोड़ा और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स का, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में 2 ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, लिखा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, और नीचे लिखा है ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। तो मेरा पहले से ही बना हुआ है, अभी हम इसको पर्सनल अकाउंट करके रखे हुए हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो हम स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में क्लिक करेंगे, क्योंकि अब मेरा बना है, जिसका नहीं बना वो एड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट में क्लिक करके आप बना सकते हैं। तो मेरा बना हुआ है, तो हम यहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में दिख रहा है कि कंटिन्यू का, तो यहाँ कंटिन्यू कर देना है, करते आना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोग को जो आप लोग को चूज करना है कर लेना है, पर हम अभी कर रहे हैं वीडियो क्रिएटर में, तो हम वीडियो क्रिएटर में कर रहे हैं। तो यार इसके बाद ऊपर में दिखेगा डिस्प्ले वन प्रोफाइल, तो ये इसको वन कर लेना पड़ेगा, उसके बाद डन कर देना है। तो डन करने के बाद आपके सामने फिर से एक पेज खुल के आएगा, तो इसमें आप लोग का आ रहा है क्रिएटर, और नीचे है बिजनेस। तो आप बिजनेस में आपको रखना है, एक बिजनेस अकाउंट बनाना है, या तो प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल हम बना रहे हैं, तो हम इसमें क्रिएटर पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे नीचे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। तो मेरा हो गया पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट, तो हो गया। अभी दिखाते हैं आप लोग को बैक करके, फिर बैक आ जाना है, और आप लोग के यहाँ स्किप कर देना। स्किप करने के बाद अब मेरा यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ आ गया, तो मेरा हो गया ये प्रोफेशनल डैश अकाउंट। तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल में भी इंस्टा आईडी को आप प्रोफेशनल में या तो बिजनेस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और इनकम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, और पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।